श्री गणेश का चमत्कारी स्वरूप श्वेतार्क गणेश, रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति के विभिन्न स्वरूपों और विभिन्न चीजों से बनी प्रतिमा का अपना एक अलग महत्व है। श्वेतार गणपति की प्रतिमा की पूजा आखिर किस लिए की जाती है और क्या है इसका महत्व, जानने जानिए पूरी खबर। गणेश चतुर्थी पर घर घर में गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस दिन घर घर में भगवान श्री गणेश की स्थापना और पूजा की जाती है। चमत्कारी श्री गणेश का स्वरूप एक श्वेतार गणेश के रूप में बहुत ही कम दर्शन मिलते हैं, लेकिन हम आपको बालाघाट जिले के ग्राम पांजरा ले चलते हैं, जहां साक्षात चमत्कारी स्वरूप श्वेतार गणेश जी की दर्शन कराते हैं। यहां पर एक व्यक्ति अजय मेश्राम के निवास पर भगवान श्री गणेश का स्वरूप श्वेतार गणेश की पूजा की जाती है। ज्योतिषाचार्य पंडित प्रफुल्ल भट्ट के अनुसार गणेश चतुर्थी पर यदि श्वेतार गणेश की स्थापना घर में की जाए तो हर मुरादें पूरी हो जा सकती हैं। मान्यता है कि सफेद आंकड़े के गणेश जी की पूजा से धन सुख स्वभाव सौभाग्य ऐश्वर और सफलता प्राप्त होती है। आंकड़ा को आंख या मदार का पौधा भी कहते हैं। आंकड़े के पौधे की एक दुर्बल प्रजाति है सफेद आंकड़ा। इसी सफेद आंकड़े की जड़ में श्वेतार गणपति की प्रकृति बनती है। इस पौधे की पहचान यह है कि इसके फूल सफेद होते हैं। किसी भी पौधे की जड़ में गणपति की प्रतिकृति बनने में कई वर्ष का समय लगता है। उसके पश्चात चमत्कारी श्री गणेश श्वेतार गणेश जी की प्रतिमा की आकृति बनती है। ऐसी मान्यता है कि घर में श्वेतार गणेश की स्थापना करने और रोज विधि विधान से पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। श्वेतार गणेश की प्रतिमा तिजोरी में रखने से स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। घर में रिद्धि सिद्धि की कृपा बनी रहती है। अगर घर में ऊपरी हवा का प्रभाव हो तो श्वेतार गणेश की स्थापना घर में करने से इस समस्या का समाधान हो सकता है। दुकान या ऑफिस में श्वेतार गणेश की मूर्ति स्थापित करने से बिजनेस पर किसी की नज़र का प्रभाव नहीं होता है। श्वेतार गणेश की रोज पूजा करने से सभी प्रकार के दोष जैसे पितृदोष, कालसर्प दोष आदि की भी शांति होती है।